बिजली बोर्ड में पहुंच लिए हैं और उरले पासे दिखा दे भाई, एक नी दो नी तीन नी घनघरे का मानस है लिए रोड़ा मेरे के है, रोड़ा है बिजली का। बिल्ला जी सारी रात तंग हो रहे हैं हाँ, और बिजली का बिल भरन लग रहे हैं, रोज बिल भरा हाँ, आए गड़ी बिल है जे घना है जे तो भरा हाँ, फालतू है जे तो भरा, घाट है जे तो भरा हाँ, बिल भरते नहीं चुक दे। लेकिन लाइट लाइट रात ने 24 घंटे का जिक्र कर रहे हैं और गायब हो जाए है, दो दो घंटे लाइट गायब, तीन तीन घंटे लाइट गायब, फिर फ्यूज उठ जाए, फ्यूज लानी है नहीं आते बेचारे, वे भी आधी रात ना हुए तो नुका बिला जी भाई साहब मारे दो, तो आदमी तो कोई फ्यूज लाना है हमें, करा तो करा के एक आदमी कड़े कड़े जावे एरिया इतना बड़ा, मरा तो मरा कड़ा, लेकिन रोला मेरे के है जब रुपये देने लग रहे हैं तो बिजली कैसे नहीं मिलती भाई, यो एक बड़ा सवाल है। बातचीत कर लेंगे लोग तंग होके, BHP कॉलोनी सात रोड तक है और सात रोड सब डिवीजन में पहुंचे हैं, ये देख लो भाई क्या सब डिवीजन है उरे पहुंचे बिजली बोर्ड में। जी राम राम अंकल जी। राम राम जी। क्या समस्या होगी? समस्या ये है कि जब ये कॉलोनी बनी थी BHP कॉलोनी, उस दौरान में जो ट्रांसफार्मर लगाए गए थे आज तक वही ट्रांसफार्मर काम कर रहे हैं, जबकि लोड जो है ना वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। प्रशासन से कई बार मिल भी चुके हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई उचित कैपेसिटी का है ना कम से कम 200 KV का ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि रोज की रोज बिजली कट से छुटकारा मिल सके। आप तो बिजली बोर्ड पर रिटायर हो, बताओ आपके बिजली नहीं आती, आम आदमी अकड़ता होगी। बस ऐसा ही है, रिटायर होने के बाद सुनाई कम होती है ना आजकल। हाँ बिल्कुल रोड़ा है जी। अंकल जी कह रहे हैं बिल्ला जी को तरला प्रशासन का जिक्र कर लिया, एक्शन नहीं ले रहे, एक्शन नहीं मिल रहे, एक्शन ले ले तो एक्शन साहब से ही मिलेंगे अभी, वो क्या जवाब देते हैं देखो, नहीं तो फिर वो आगे और कार्रवाई करेंगे कुछ ना। तो उड़े फ्यूज क्यों उड़ा है? फ्यूज लोड ज्यादा है, ट्रांसफार्मर छोटा है, लोड पड़ेगा तो फ्यूज ही उड़ेगा और क्या होगा। तो फिर बड़ा नहीं दर्द है वो, तो इनकी समस्या क्यों नहीं दरते, हम तो एप्लीकेशन लेके आए हैं दिखा रहे हैं, अब वो रखेंगे ना रखेंगे वो इनकी मर्जी है। हाँ जी तिवारी साहब के लग है एप्लीकेशन पे कि मैं कार्रवाई होगी, ECC एप्लीकेशन तो रोज देते दे हैं बिल्ला जी, हाँ जी लगा देंगे, हाँ जी आज ही की नौकरी और ना जी अगर हाँ जी तो सेकंड में कर दे हैं, रब काम होता ही नहीं। 2010 में 100 KV का ट्रांसफार्मर लगाए थे और आज 2023 हो गया, 13 साल हो गया, मकान 4 गुना 5 गुना बढ़ गया और आज भी 100 KV का ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ 200 का बढ़ा दें दो और कहीं लगा दे 100 का, क्या दिक्कत है इनको? तो बस कई बार एप्लीकेशन दे दिए, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे दिए, ऑनलाइन कंप्लेन कर दिए, लेकिन सुनवाई कोई हो नहीं रही है। अब ट्रांसफार्मर का लोड नहीं बढ़ा है लेकिन ट्रांसफार्मर का ऊपर तक जो बिल आवे नहीं उसके चार्ज पूरे पूरे बढ़ गए हैं। जब इनको 4 गुना बिल उसी 100 के ट्रांसफार्मर पर मिल रहा है, पहले जो मिलता था 100 रुपया मिलता था, अब 400 रुपया मिल रहा है इनको, तो अब बढ़ाएंगे क्यों? कई बार हम लोग इसका कंप्लेन डाल के दिए लेकिन ये सब समस्या का समाधान अभी तक नहीं किए हैं। जी पूरा मना लागे सारे आम आदमी रहो, कोई मंत्री MLA का घर होता नहीं तो हो सके एक्शन उड़े कुर्सी का लेंदा बिल्ला जी, लाइट नहीं जान दी। लाइट तो जावे ही जी, लाइट से परेशान हो रहे हम, दिन में ड्यूटी करनी पड़े, रात ने फिर नींद को नहीं आवे, रात ने मच्छर दबाने पड़े, मच्छर दबाने 24 घंटे ड्यूटी हो गया, बीमारी वाला काम हो गया जी, के करा ये ट्रांसफार्मर नया लाग जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा। हाँ जी भाई साहब ये हालात है ग्राउंड के ऊपर ही बतामे आए हुए एप्लीकेशन देने खातर, के लागे इस एप्लीकेशन के ऊपर में प्रकाश पड़ेगा? देखिए हम तो आ गए आज SDO साहब के सामने अपनी मांग लेकर के, लेकिन कितना SDO हमारी बात को सुनेगा या समझेगा, लेकिन हम ये SDO साहब को बताना चाहते हैं कि हमारे तीन तीन बार तो फेस उठ जाते हैं दिन में, बार बार को जेई को हमने फ़ोन करना पड़ता है, बार बार SDO तक हमने फ़ोन करने पड़ते हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तीन तीन बार फेस उठते हैं, तीन तीन बार फ्यूज उड़ता है और घरों की संख्या जिस टाइम ये 100 हॉर्स पावर का लगवाया था तो उस टाइम में घर 300-400 थे, आज वो ही घर 1,000-1,500 के करीब हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली बिजली का लोड तो बढ़ेगा ही और वही हॉर्स पावर 100 का रखा हुआ है, हम चाहते हैं या तो 200 हॉर्स पावर का ट्रांसफार्मर लगाया जाए या फिर 100 का एक अतिरिक्त और लगाया जाए, हमारी ये मांग है SDO साहब से कि हमारा ये जो समाधान है या तो 200 हॉर्स पावर का लगाएं या 100 का, हम और कोई मांग नहीं करना चाहते। आजो आगे ना जो इस ताऊ का नहीं भी देख लो, ये ताऊ के उम्र होगी ताऊ? मेरी होगी 70 साल की भाई। 70 साल? हाँ। और ड्यूटी करे 24 घंटे? की किराए में? दिन में बड़का न खिलावा है, रात ना मच्छर न खिलावा है, रात ना मच्छर खावा है, सारे बालक बैठ रहे हैं, ऐनु देखे जाओ भाई बाबा ये लाइट आवे, बिल्कुल तंग हो लिया मैं तो भाई, बात यह है।
अपने बंड तो मैंने देखा डंगे सी भी नहीं आया, वो एक फराटा आया होगा वो ही बंद। बैठो अपने इसी के लिए बोला फराटा, उसे में दिक्कत हो रही है, उसे में दिक्कत हो रही है। भाई तीन तीन बार कट करते हैं, वो तो चलो नॉर्मली कट है, लेकिन तीन बार कट करने के बाद हमारे पास जो ओवर टाइम होता है उसमें वैसे कट हो जाता है, हमारे फेस उठ जाते हैं। तो हमारी मांग है कि एस डी साहब से प्लीज़ हमारी तरफ ध्यान दे, बीएचपी कॉलोनी की तरफ ध्यान दे, और ये आपका शुक्रगुजार रहेंगे। और हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारा स्पार्स जो जो ट्रांसफार्मर है 100 के बजाय 200 का लगाए या एक नया रखवाया जाए। क्या बात है। तो फिलहाल डिमांड जो है वो तो कर दी है, लेकिन अब देखना ये क्या इस डिमांड के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई होगी या फिर नहीं, या फिर एक लॉलीपॉप देके छोड़ दिया जाएगा। बोला जी करेंगे सरकारी कार्रवाई है, आपको पता है सरकारी काम तो लटक लटक के होते हैं, अब होगा क्या वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उम्मीदें बहुत है एसडीओ साहब से कि शायद अगर एक इस एप्लीकेशन के ऊपर मोर लग जाए तो वहाँ पर स्टाम्प वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर रख दिया जाएगा, और ट्रांसफार्मर रख दिया जाएगा तो लोगों को इस गर्मी से और इस बिजली से निजात मिलेगी। फिलहाल वीडियो करें खुल के शेयर, हरियाणा की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सभी लोग जो हैं वो बिजली से परेशान है, बिजली के कटों से परेशान है, फ्यूज उड़ने से परेशान है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे। अगर ट्रांसफार्मर लगे तो शायद लोगों को 24 घंटे बिजली जो है वो उपलब्ध हो जाए। वीडियो को करें खुल के शेयर, देखते रहे HR20 न्यूज इंडिया आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी SCF 113 राजगुरु मार्केट हिसार।